गुड मॉर्निंग, टुडे इज 4th of January 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहां पे, असम में इलीगल माइग्रेंट्स का पता लगाने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट किया जा रहा है। पूरे इश्यू को डिटेल से समझेंगे। नीचे का आर्टिकल, यूएसए ने पाकिस्तान की एड बंद कर दी है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पे बीच में आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, जीनोमिक रेवोल्यूशन के बारे में ये आर्टिकल है। साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी डिटेल से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में और अभी क्या विवाद है महाराष्ट्र में। कल हमने ये इशू डिस्कस किया था प्रीलिम बूस्टर की वीडियो में। तो देखो, प्रीलिम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के लिए वैसे एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो दलित एसर्शन के बारे में बन सकता है। ऊना में मूवमेंट हुई, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में मूवमेंट हुई और अब ये महाराष्ट्र में, तो दलित एसर्शन के बारे में सोशल मूवमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इस आर्टिकल में दलित एसर्शन के बारे में, दलित मूवमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये नहीं है। उसके बाद दूसरे पेज पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो सीज फायर का वायलेशन बार बार होता है, बॉर्डर पे टेंशन रहती हैं, कैसे उनको कम किया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पे इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीनोमिक रेवोल्यूशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 के अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। बेसिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कई बार आपने देखा होगा डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि चाइल्ड का फादर कौन है, क्योंकि चाइल्ड और फादर का जो डीएनए है वो सेम होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम होती है। अगर डीएनए में किसी प्रकार का डिस्टोर्शन या फिर म्यूटेशन नहीं हुआ है, डीएनए सेल में न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। हमारी बॉडी देखो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है और डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है। पॉलीमर मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से और न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल आसान है। डीएनए एक प्रकार का पॉलीमर होता है और ये पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड में मेनली तीन चीजें होती हैं, एक सिंपल सुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस। अब देखो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के होते हैं? सबसे पहले एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। चार प्रकार के ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात आती है। देखो नाइट्रोजन बेसिस का ऑर्डर क्या होगा डीएनए में, ये डिसाइड करेगा हमारा जेनेटिक कोड कैसे होगा। फिर से बोलता हूं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले सुगर, दूसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन बेसिस। चार प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, सबसे पहले एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब देखो हमारे शरीर में ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं इनका ऑर्डर क्या होगा, पहले ए आएगा, टी आएगा, जी आएगा, सी आएगा, ऑर्डर क्या होगा वो डिसाइड करेगा हमारा जेनेटिक कोड क्या होगा। ये देखो ऑर्डर इस प्रकार से, पहले एडिनिन, फिर गुआनिन, थियानिन, साइटोसिन। ये जो ऑर्डर होता है नाइट्रोजन बेसिस का वो डिसाइड करता है हमारे शरीर का जेनेटिक कोड कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जीनोम देख लीजिए, जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट डीएनए और जीन्स की इंफॉर्मेशन। मेरी बॉडी के डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन और सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन एक जगह रख दीजिए, वो मेरी बॉडी का जीनोम हो जाएगा। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन की सहायता से, यानी जीनोम की सहायता से हम किसी बॉडी को डेवलप भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। इवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक किया जा सकता है जीनोम की सहायता से। देखो जीनोम अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक सिंपल बॉक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर काफी सारे पेन है, कोई हरे रंग का है, कोई नीले रंग का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और कुछ पेन ऊपर लगे हैं, कौन से नीचे लगे हैं बॉक्स के अंदर, कुछ पेन बॉक्स में आगे लगे हैं, कई पेन पीछे लगे हैं। सारी की सारी ये इंफॉर्मेशन कि कितने पेन हरे हैं, कितने पेन नीले हैं, कौन सा पेन डिफेक्टिव है, कौन सा पेन बॉक्स में सबसे नीचे नीचे लगा है, कौन सा पेन बॉक्स में सबसे ऊपर लगा है, वो सारी इंफॉर्मेशन बॉक्स का जीनोम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी का जीनोम क्या है? डीएनए के बारे में और जीन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब देखो जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि जीनोम की सहायता से किसी बॉडी को डेवलप भी किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। लेकिन देखो जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के बारे में। अब ये इंफॉर्मेशन छोटी मोटी नहीं होती, ऐसा नहीं कि डॉक्टर देख के ही बता दे अच्छा ये आपका जीनोम है कि हाँ यहां पे आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक कर देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा बड़ा होता है जीनोम, क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा है। डीएनए अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड
तीन चीजों से मिलकर बना होता है, उसमें एक चीज है नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस चार प्रकार का होता है, एडिनाइन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और ये नाइट्रोजन बेसिस का ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंसिंग क्या होती है, वो डिसाइड करता है हमारी बॉडी का जेनेटिक कोड क्या होगा। लेकिन हमारी बॉडी में 3 बिलियन बेसिस हैं, 3 बिलियन नाइट्रोजन बेसिस है हमारी बॉडी में, तो जियोम का मतलब है इन 3 बिलियन बेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन, और उसके बाद अलावा भी कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा। तो खुद सोच के देखिए कि जीनोम जो होगा कितना बड़ा होगा हमारी बॉडी का। अब जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब यह है जीनोम को सीक्वेंस करना, यानी ऑर्डर में लगाना, उसको एक जगह पे नोट करना कि पहले ये आएगा पहले बाद में आएगा। तो सोच के देखिए कितना बड़ा ये काम हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो 3 बिलियन बेसिस हैं उनको एक ऑर्डर में लगाना, ताकि साइंटिस्ट उसको स्टडी कर सकें कि बॉडी में आखिरकार गलती है क्या। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, नोटबुक में तो सीक्वेंसिंग हो नहीं सकेगी 3 बिलियन बेसिस की सीक्वेंसिंग की, तो ये कंप्यूटर में ही होगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है ये जीनोम सीक्वेंसिंग का। लेकिन एक बार हमारी बॉडी के जीनोम की सीक्वेंसिंग हो जाए तो इसके काफी सारे फायदे हो सकते हैं। फायदे क्या क्या हो सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल स्टार्ट होता है, ये सब हमने बेसिक्स डिस्कस किया। आर्टिकल के द्वारा शुरुआत में कहा जाता है कि अब तो देखो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप हो गई है, किसी पर्सन के जीनोम सीक्वेंसिंग में अब $1,000 का खर्चा आता है, और बहुत सारा कंपटीशन है इस क्षेत्र में। आने वाले समय में किसी पर्सन की जीनोम सीक्वेंसिंग करना और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तो सबसे पहला एडवांटेज किसी पर्सन की जीनोम सीक्वेंसिंग का यह होता है कि डॉक्टर्स के द्वारा किसी पर्सन के जीनोम को स्टडी करने के बाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप की जा सकती है। डॉक्टर देखेंगे कि यहां पे जेनेटिक कोड में यहां पे गड़बड़ है, तो उसी हिसाब से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप की जा सकती है उस पर्सन के लिए। और ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगी एज कंपेयर टू दूसरी मेडिसिन। और देखो दूसरा एडवांटेज ये है क्रिस्पर, जो कि एक जीन एडिटिंग टेक्निक है। अब देखो डॉक्टर्स किसी पर्सन के जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद उस पर्सन के जीनोम को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कहां पे उस पर्सन के अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कहां पे जीन्स में म्यूटेशन है। तो जीन एडिटिंग की सहायता से जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद उस पर्सन का जीनोम स्टडी करना आसान हो जाएगा, और जहां पे जीन्स में म्यूटेशन है जिनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर है उन जीन्स को बदला जा सकता है क्रिस्पर जीन एडिटिंग की सहायता से। समझ गए, ये दूसरा एडवांटेज है। अब देखो इंडिया का एस्पेक्ट आता है, इंडिया किस प्रकार से जेनोमिक्स में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका फायदा उठा सकता है। सबसे पहले तो इंडिया को अपनी पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपनी पॉपुलेशन की इकट्ठी करनी होगी इंडिया को, और उसके बाद देखो मैन पावर भी डेवलप करनी होगी। सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा, मैन पावर भी तो होनी चाहिए, डॉक्टर्स या साइंटिस्ट भी तो होने चाहिए जो उस जीनोम्स को स्टडी कर सकें, ये बता सके यहां पर गलती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के साथ साथ मैन पावर भी डेवलप करनी होगी, उन बंदों को प्रिपेयर करना होगा जो जीनोम को स्टडी कर सकें, ये दो काम इंडिया को करने होंगे। उसके बाद देखो चाइना से कंपेयर किया जाता है, चाइना में एक बायोबैंक है कडूरी बायोबैंक, ये बायोबैंक 5 लाख चाइनीज लोग है जीनोम को स्टडी कर रहा है। इंडिया में तो आपको पता है डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है हमारे देश में, बहुत सारे रेसिस हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज हैं, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो इंडिया में तो और बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, चाइना से भी बड़ा प्रोजेक्ट। एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये होगा कि आने वाले 10 सालों में कम से कम हम 1 मिलियन यानी 10 लाख इंडियन लोगों के जीनोम को स्टडी करें, तो इससे काफी फायदा होगा और डिजीज बर्डन को हमारे देश में कम किया जा सकता है। देखो एक एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पे, टे-सेक्स एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया जीनोम सीक्वेंसिंग की सहायता से। तो अगर हम हमारे लोगों के जीनोम को स्टडी करेंगे तो हमारे इंडिया में जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको खत्म किया जा सकता है। इवन जो कई बार जो कॉमन डिजीज होते हैं वो भी जीन से जुड़े होते हैं, जैसे हेल्थ संबंधित डिजीज, तो उनका भी इलाज आसान हो जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग से। अभी देखो ऐसा नहीं है कि जीनोम सीक्वेंसिंग बिल्कुल ही हमारे देश में यूज नहीं होती, बहुत कम स्केल पे यूज होती है, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग को यूज करते हैं, लेकिन ये बड़े स्केल पे हमें चाहिए अगर हमें इंडिया को इस क्षेत्र में लीडर इस्टेब्लिश करना है तो। और एक कोहेरेंस चाहिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में, गवर्नमेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इन सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में एक कोहरेंस चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में जीनोमिक्स के क्षेत्र में इंडिया में रेवोल्यूशन लाई जा सके और इंडिया अपने आप को लीडर इस्टेब्लिश कर सके। इसके लिए देखो एक फ्रेमवर्क भी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित जो डेटा है वो चोरी भी हो जाता है, दूसरे देशों में ना पहुंच जाए ये डेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनमी कंट्रीज भी जो हैं वो इस तरह के डेटा को मिसयूज कर सकते हैं। तो रेगुलेशन की भी आवश्यकता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एकेडमिक प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाए ताकि साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स को इस एरिया में ट्रेन किया जा सके। और सबसे लास्ट में जो अभी हमने डिस्कस किया, एक जेनेटिक डेटा बैंक होना चाहिए जिसमें हमारे
इंडियन लोगों के जीनोम के बारे में इंफॉर्मेशन हो। जैसा प्रोजेक्ट चाइना में चल रहा है बायोबैंक संबंधित, वैसा ही बायोबैंक हमें इंडिया में भी डेवलप करना होगा। कंक्लूजन में सेम बात बोली जाती है, अगर इंडिया अपने आप को इस क्षेत्र में लीडर इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए एक विजन चाहिए, नेशनल लेवल पे एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सके, और ये करना ही होगा क्योंकि हेल्थ से जुड़ा इशू है, इसलिए इंडिया को इस मामले में काफी गंभीर होने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था जीनोमिक रेवोल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन देख लीजिए आपको जो अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोमिक्स, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ जीनोमिक्स, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू टू ब्रिंग द जीनोमिक रेवोल्यूशन इन इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, जीनोमिक्स से आप क्या समझते हो, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं जीनोमिक्स की, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि इंडिया में जीनोमिक रेवोल्यूशन आ सके और इंडिया अपने आप को लीडर एस्टैब्लिश कर सके जीनोमिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद एथिक्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, लिखा नहीं हुआ, 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। नीचे का क्वेश्चन है एथिक्स का, देयर मे बी टाइम्स व्हेन वी वर पावरलेस टू प्रिवेंट इनजस्टिस। देखो कुछ ऐसा समय आ सकता है कि हम इतने स्ट्रोंग ना हो कि हम देखें समाज में अन्याय हो रहा है लेकिन हमारे पास में इतनी पावर नहीं है कि हम उस अन्याय को रोक सकें, लेकिन ऐसा टाइम कभी नहीं आना चाहिए कि हम उस अन्याय के विरुद्ध आवाज भी ना उठाएं। अगर अन्याय हो रहा है, हो सकता है कि हमारे पास में शक्ति नहीं है कि हम हो रहे अन्याय को रोक सकें, लेकिन हमें अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में जो भी हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। उसके बाद पेपर 3 से संबंधित क्वेश्चन है, अगमेंटिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज लिंक्ड विद द नीड फॉर इंक्रीजिंग इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। अगर देखो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, तो इंडिया को वर्ल्ड एक्सपोर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडिया को एक्सपोर्ट करना होगा दूसरे कंट्रीज को। और इस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये क्वेश्चन भी आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है, और एथिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 150 वर्ड्स में, नीचे वाला 250 वर्ड्स में। टेररिज्म से संबंधित एक कोट है जो किसी अननोन पर्सन के द्वारा दिया गया है, फाइटिंग टेररिज्म इज लाइक ए गोलकीपर, यू कैन मेक ए 100 बिलियन सेव्स बट द ओनली शॉट दैट पीपल रिमेंबर इज द वन दैट गेट्स पास्ट यू। इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा अपने प्रयास करती रहती हैं कि टेररिस्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सके, होने से बचाया जा सके, लेकिन देखो दिक्कत यह है इंटेलिजेंस एजेंसीज को हर बार सफल होना होगा और टेररिस्ट को सिर्फ एक बार सफल होना होगा। 100 बार अगर इंटेलिजेंस एजेंसी सफल हो जाती हैं टेररिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर लेती हैं तो शायद उनके प्रयासों को कोई याद ना रखे, लेकिन 100 में से एक बार भी आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो उनके प्रयास हाईलाइट हो जाते हैं। ऐसा ही होता है फुटबॉल में, गोलकीपर को हर बार सफल होना होगा, एक बार भी गोलकीपर ने बॉल छोड़ दी तो गोल हो जाएगा। तो टेररिज्म से संबंधित अगर कोई चीज आपको लिखनी हो तो इस कोट के साथ आप लिख सकते हो वो चीज कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कितना ज्यादा मुश्किल है, उनको हर बार सफल होना होगा, एक बार भी वो लैक्सिटी नहीं बरत सकते। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस के बारे में है। जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। हैप्पीमोन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। हैप्पीमोन जैकब जाके आए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो पाकिस्तान में भी गए, तो वो अपने व्यूज बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे क्या पाया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की साइड ज्यादा पॉपुलेशन रहती है बॉर्डर के पास और इंडिया की साइड कम पॉपुलेशन रहती है बॉर्डर के पास, और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार पे ज्यादा प्रेशर है, इसी वजह से सीज फायर वायलेशन जब भी होते हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज जब भी होती हैं तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार पे एक प्रकार से प्रेशर आता है कि वो सीज फायर वायलेशंस को रोकें। उसके बाद ये कहते हैं कि बॉर्डर के पास दोनों देशों की आर्मी ने काफी हाईटेक वेपन्स डिप्लॉय करके रखे हैं, इसीलिए जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। इवन जो सोल्जर्स हैं दोनों देशों की आर्मी के, वो भी हमेशा डर के साए में जीते हैं। उन्हें यूं लगता है कोई ना कोई दूरबीन से टेलीस्कोप से हमें मॉनिटर कर रहा है, कभी भी स्नाइपर शॉट आ सकता है, तो डर के साए में जीते हैं दोनों देशों आर्मी के सोल्जर्स जो हैं। और इंडिया की साइड जो आर्मी है वो ज्यादा डिप्लॉयड है, पाकिस्तान की साइड जो आर्मी है वो कम डिप्लॉयड है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। ये भी कहते हैं कि देखो सीज फायर वायलेशंस काफी ज्यादा हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच में तनाव है बॉर्डर पे, लेकिन फिर भी जो ट्रेड है वो इस पार के कश्मीर और उस पार के कश्मीर में हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। ये सारे व्यूज हैं हैप्पीमोन जैकब के। हैप्पीमोन जैकब 3 सजेशंस देते हैं कि बॉर्डर पे टेंशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले ये कहते हैं हाईटेक जो वेपन्स डिप्लॉय करके रखे हैं दोनों देशों की आर्मी ने, उन वेपन्स को थोड़ा पीछे लेके जाया जाए, 50 किलोमीटर अपने जो हाईटेक वेपन्स हैं
जैसे मोर्टार या फिर आर्टिलरी वगैरह, वो पीछे लेके जाओ बॉर्डर के 50 किलोमीटर पीछे, ताकि कम से कम सीज फायर का वायलेशन जब भी होता है तो इस प्रकार के वेपन्स का ना इस्तेमाल किया जाए, इससे सिविलियन की जो कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पहला सजेशन हैप्पी मून जैकब की वजह की तरफ से ये है कि इस प्रकार से बॉर्डर पर टेंशन को कम किया जा सकता है, हाईटेक वेपन्स को थोड़ा पीछे लेके जाओ। दूसरा सजेशन इनकी तरफ से ये है कि रेगुलरली 6 महीने में कम से कम एक बार डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग होनी चाहिए। पहले जब भी देखो मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी की मीटिंग होती है तब ये पाया गया है सीज फायर वायलेशंस में कमी आती है। हालांकि कुछ समय के लिए सही, लेकिन सीज फायर वायलेशंस में कमी आती है अगर डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग होती है दोनों देशों के बीच रेगुलरली। तीसरा सजेशन ये देते हैं कि जो लोकल कमांडर्स हैं बॉर्डर के पास, उनकी भी रेगुलरली फ्लैग मीटिंग होनी चाहिए। और फ्लैग मीटिंग अगर कोई देश, अगर मान लीजिए इंडिया का जो लोकल कमांडर है वो कहता है, डिमांड करता है कि पाकिस्तान के लोकल कमांडर से कि फ्लैग मीटिंग हमारी होनी चाहिए, तो इसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसर्न्स बताए जा सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा सकता है अगर रेगुलरली बिल्कुल रियल टाइम फ्लैग मीटिंग होती है। तो अगर पाकिस्तान की साइड से कोई फायरिंग होती है तो हमारा लोकल कमांडर उसी समय आपत्ति दर्ज करवा सकता है कि देखो आपकी तरफ से यहां से फायरिंग हुई है। अगर कोई इस पूरी चीज में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उससे उसको रिमूव किया जा सकता है लोकल कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग में। तो ये 3 सजेशंस देते हैं हैप्पी मून जैकब। इन 3 सजेशंस की सहायता से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन को कम किया जा सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से संबंधित है। असम के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट किया जा रहा है, ये पता लगाने के लिए 1971 के बाद बांग्लादेश से कौन इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आए असम में। तो देखो इलीगल माइग्रेंट से जुड़ा इशू है तो सिक्योरिटी में भी कवर हो सकता है, और सिटीजन से जुड़ा इशू है तो जीएस पेपर 2 में भी कवर हो सकता है। प्रीलिम बूस्टर वीडियो में हमने ये इशू काफी डिटेल से डिस्कस किया था। देखो आज का जो बांग्लादेश है, बहुत सालों से आज के बांग्लादेश से असम में माइग्रेशन होती आई है, यानी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं आज के बांग्लादेश से असम में, और ये आज की बात नहीं है, काफी सालों से चला आ रहा है। इवन ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे तो उस समय भी जो आज का बांग्लादेश है उस रीजन से असम की तरफ इलीगल माइग्रेंट्स आते थे। लेकिन आजादी के बाद 1947 के बाद इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को ये लगता था, कुछ लोगों को ये लगता था कि असम में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स असम की तरफ आने लगे आज़ादी के बाद। तो असम के लोकल लोगों ने इस चीज़ का विरोध करना स्टार्ट किया। असम के लोगों का कहना था कि इससे तो हमारा जो पूरा का पूरा कल्चर है वो खतरे में पड़ रहा है, हमारे रीजन की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसलिए इलीगल माइग्रेंट्स को रोकना होगा। 1979 में एक बड़ी मूवमेंट चलाई गई असम में, खास करके असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा। 6 साल तक ये मूवमेंट चली इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ। 1985 में एक समझौता होता है, असम एकॉर्ड्स। उस समझौते में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि देखो 1951 से 1961 के बीच में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से असम में, उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। 1961 से 1971 के बीच में जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से इंडिया में, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान था, 1951 से 1961 के बीच में और 1961 से 1971 के बीच में आज का जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का पार्ट था। तो देखो जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं 1961 से 1971 के बीच में, उनको 10 साल के लिए वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ये सब चीजें डिसाइड हुई थी असम एकॉर्ड में, जो कि हुआ था 1985 में। और एक बात ये कही गई थी असम एकॉर्ड में कि 1971 के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से इंडिया में, उनको वापस खदेड़ दिया जाएगा बांग्लादेश में। तो ये हुआ था असम एकॉर्ड 1985 में। अब उसी असम एकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को अपडेट किया जा रहा है, यह पता लगाने के लिए कि कौन 1951 में आया था, कौन हमेशा से इंडिया का सिटीजन रहा है, कौन 1971 के बाद में आया। तो इन सब चीजों के लिए, यह पता लगाने के लिए कौन सा इलीगल माइग्रेंट कब आया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को अपडेट किया जा रहा है। और पहला ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। पहले ड्राफ्ट में बताया गया है सरकार के द्वारा कि 1,90,00,000 जो एप्लीकेशन है वो सही पाई गई है। टोटल एप्लीकेशन प्राप्त हुई 3,29,00,000। 3,29,00,000 एप्लीकेशंस में 1,90,00,000 एप्लीकेशन सही पाई गई है, मतलब कि वो इंडिया के सिटीजन हैं। बाकी सरकार ने यह भी कहा कि बाकी एप्लीकेशंस, यानी बाकी लोग जो छूट गए हैं, उनकी ठीक से जांच हो रही है। हम एक बार, दो बार, काफी बार जांच करेंगे ये फाइनल ड्राफ्ट डिक्लेयर करने से पहले, यानी कि अभी जो ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट डिक्लेयर किया है वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। अभी तो हम काफी बार जांच करेंगे और तब जाके बताएंगे कि कौन इंडिया का सिटीजन है, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है। और ये सब कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में। अब देखो आर्टिकल ये कहता है कि अगर ये पता लगा भी लिया कि कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है,
तो देखो उनको वापस बांग्लादेश में भेजना आसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी ऐसी कोई ट्रीटी है नहीं, बांग्लादेश उनको थोड़े ना एक्सेप्ट करेगा। एक सेकेंड, बांग्लादेश उनको थोड़े ना एक्सेप्ट करेगा अभी। और देखो कुछ लोग, मान लीजिए कोई लोग आया हो, कोई व्यक्ति आया हो 1972 में, 1972 में, अभी तक तो उसके एक प्रकार से ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए होंगे, पोता पोतियां हो गई होंगी उस पर्सन की जो 1972-3-4 में आया होगा। तो अब उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनका तो जन्म भी यही हुआ, वो अपने आप को शुरुआत से ही इंडियन सिटीजन मान रहे हैं, उनको तो सिर्फ एक ही देश के बारे में पता है, इंडिया के बारे में। तो देखो ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है इसका। उसके बाद इंडिया का गवर्नमेंट का एक और बिल जो है वो भी अभी काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। उस बिल में ये कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में हिंदुओं का अगर कुछ वहां पे प्रोसिक्यूशन होता है तो उनको सिटीजनशिप राइट्स में काफी ज्यादा छूट दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम्स के लिए बात नहीं कही जाती। तो ये बिल भी अपने आप में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो ये सारे एंगल्स हैं इस पूरे इशू में, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को जो अपडेट किया जा रहा है उसकी क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में है। फिलहाल किस प्रकार के रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के बीच में, समराइज कर दिया गया है इस आर्टिकल में। जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। देखो 2017 में यानी पिछले साल शुरुआत में ही इंडिया ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर दिया था। इंडिया और भूटान एकमात्र एक ऐसे देश थे जिन्होंने पूरे रीजन में चाइना के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का विरोध किया था, और चाइना इससे काफी ज्यादा असंतुष्ट हो गया था। मेनली हमारे सॉवरेनिटी इश्यूज थे, कश्मीर का एक पार्ट जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर, वहां से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक जो अंग है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो गुजरता है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, और वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजर रहा है, चाइना ने हमसे पूछा नहीं, हमसे अनुमति नहीं ली, तो इस कारण हमने विरोध कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चाइना इससे असंतुष्ट हो गया और चाइना ने साफ तौर पर सिग्नल दिया इसका, डोकलाम विवाद में चाइना ने दूसरे कंट्रीज को एक सिग्नल देने की कोशिश की थी कि या तो आप हमारे साथ मिलकर चलो नहीं तो हम आपको तंग करेंगे, और इसीलिए डोकलाम विवाद हुआ। लेकिन चाइना को हैरानी तब हुई जब इंडिया ने डोकलाम विवाद में चाइना का डट के सामना किया। उसके बाद हालांकि अभी जो तनाव है, डोकलाम विवाद सुलझ गया था लेकिन तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी भी चाइना जो है डोकलाम में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और इंडिया भी चाइना का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। यानी इंडिया चाइना से झुकने के लिए तैयार नहीं है, चाइना का इंडिया डट के सामना करेगा, और चाइना को यह बात काफी हैरानी भरी लग रही है। इंडिया ने अपनी जो ग्रुपिंग है, दूसरे ग्रुप्स में जो अपनी भागीदारी है उसको भी इनहेंस करना स्टार्ट कर दिया है। क्वाड ग्रुप या फिर दूसरे ग्रुप्स, एशियान के साथ इंडिया काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है। अब 26 जनवरी को एशियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके हेड इंडिया में आएंगे, तो चाइना का सामना करने के लिए इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ भी काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है। और अभी 2018 में जो विवाद है इंडिया और चाइना के बीच में और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों देश काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। चाइना यह चाहता है कि इंडिया चाइना की डोमिनेंस स्वीकार कर ले, लेकिन इंडिया कभी भी चाइना की डोमिनेंस स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इंडिया दूसरे देशों के साथ अपना कोऑपरेशन इंक्रीज कर रहा है चाइना को कंटेन करने के लिए, जबकि इंडिया को कंटेन करने के लिए चाइना हमारे पड़ोसी देशों में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में लेफ्ट अलायंस जो सत्ता में आया, चाइना उसको सपोर्ट करता है। उस लेफ्ट अलायंस के जो रिलेशंस है चाइना के साथ काफी अच्छे हैं। मालदीव के साथ चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। दूसरे देशों में हमारे जो दूसरे पड़ोसी देश हैं वहां पे भी चाइना अपनी डोमिनेंस इंक्रीज कर रहा है। इवन पाकिस्तान को अब चाइना ने खुलेआम समर्थन देना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो इंडिया की एनएसजी में एंट्री हो या फिर पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट को इंडिया यूएन में बैन करवाना चाहता है, वहां पे भी चाइना बार बार अड़ंगा डालता है। तो कहने का एसेंस ये है, इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस हैं और ज्यादा बेटर हो सकते हैं 2018 में। देखना यह होगा कि दोनों देशों की गवर्नमेंट कैसे रिलेशन को पटरी में फिर से लाते हैं। सिर्फ रिटोरिक से, सिर्फ बातों से दोनों देशों के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जो विवाद हैं, डिफरेंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा हैं दोनों देशों के बीच में। तो यह पूरा आर्टिकल था इंडिया और चाइना के बारे में। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जीनोमिक रेवोल्यूशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया, काफी टाइम लग गया इस आर्टिकल में हमें। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या डिस्कस किया, हाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस को हमने डिस्कस किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। और उसके बाद हमने असम में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को अपडेट किया जा रहा है उसे भी डिटेल से समझा क्या ये पूरा इशू है। और सबसे लास्ट में हमने इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया। नोट्स सारे इस पीडीएफ में हैं। तो फिलहाल आज इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।